नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब के एक नए फीचर के बारे में, फिर कुछ पेगासस वायरस के बारे में भी कुछ अपडेट्स है, जो जेफ बेजोस की रिसेंटली स्पेस फ्लाइट हुई है उसके बारे में अपडेट्स है और बहुत सारे अपडेट्स है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ऐसे ही कुछ टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने हैं आगे फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है यूट्यूब लॉन्चेस सुपर थैंक्स। सो जैसे मैंने कहा, यूट्यूब में कुछ न्यू फीचर लॉन्च किया है सुपर थैंक्स करके। तो इसमें जो सब्सक्राइबर्स है वो क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए कुछ उनका थैंक्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका कॉस्टिंग शुरू होता है $2 से एंड इट गोज़ अप टू $50। मतलब 150 रुपीज़ से चालू होता है और इट गोज़ मैक्स टू 3700 to 4000 $50 तक। तो ये क्रिएटर्स को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें हैं जो यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स हिम टू यूट्यूब को कम्पीट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सब से कम्पीट करने के लिए यूट्यूब अभी कुछ न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए। फिर इसके बाद आते हैं अगले न्यूज़ पे, जो है जेफ बेजोस के बारे में। तो जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के CEO है, तो रिसेंटली उन्होंने एक स्पेस फ्लाइट करी थी अपने ओन मेड रॉकेट में, ब्लू ओरिजिन जो इनकी कंपनी है जिससे इन्होंने स्पेस फ्लाइट करी थी। तो ये लाइक सेकेंड ह्यूमन थे स्पेस में जाने के लिए। रिचर्ड ब्रांसन जो मिलेनियर है, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही फ्लाइट करी थी, लेकिन उनकी हाइट कुछ 88 किलोमीटर्स तक थी, और यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखो तो स्पेस की लिमिट चालू होती है ग्राउंड लेवल से 100 किलोमीटर्स की अबव। तो लाइक इसके भी बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन US स्टैंडर्ड के हिसाब से 80 किलोमीटर्स की अबव स्पेस की लाइन है। लाइक 80 किलोमीटर्स अर्थ लेवल की अबव स्पेस चालू होता है। तो रिचर्ड ब्रांसन ने US स्टैंडर्ड के हिसाब से तो अच्छी खासी फ्लाइट करी थी, लेकिन अगर देखी जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो फिर उनको स्पेस तक रीच नहीं हो पाए। और उसी बारे में अगर जेफ बेजोस की बात करें, तो जेफ बेजोस ने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के ऊपर अपना स्पेसक्राफ्ट गया था, उनका जो रॉकेट था वो गया था, और वो फ्लाइट ऑलमोस्ट 10 मिनट की ही थी, और उसके बाद उन्होंने लैंड कर दिया और फिर एवरीथिंग वॉज गुड, और दिस वॉज दी फर्स्ट फ्लाइट टू स्पेस। और इसके बारे में इसके बाद थर्ड न्यूज़ आती है एप्पल के बारे में। तो एप्पल इज़ प्लानिंग टू लॉन्च ऑल 5G एनेबल फोन्स इन 2022। तो जो आईफोन SE मॉडल था जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था रिसेंटली, तो SE 1 हो गया, SE 2 लॉन्च हो गया, तो अभी आईफोन प्लान कर रहा है कि SE 3 जो आएगा 2022 में तो वो 5G एनेबल होगा। और अभी रिसेंटली जो आईफोन 12 लॉन्च हुए वो सब 5G में ही थे। तो 2022 में जो SE लॉन्च होगा उसके बाद सब आईफोन्स विल बी लॉन्च्ड इन 5G, और ये सिस्टम ऑन चिप होगा, तो जैसे आपको सबको पता ही है। और इसके बाद आते हैं iOS की न्यूज़ के बारे में जो एप्पल से रिलेटेड है। सो iOS ने 14.7 रिलीज़ किया है, जो न्यू अपडेट है 14.7। तो इसके अंदर मैक सेफ सपोर्ट करते हैं, जैसे आईफोन 12 सीरीज से मैक सेफ सपोर्ट होता है, तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक अपडेट आया है। ये अपडेट बेसिकली सब आईफोन्स के लिए आया है जो सपोर्ट करते हैं आईफोन 14.6 जो प्रीवियस वर्जन सपोर्ट करते थे। सो 14.7 हर एक आईफोन के लिए आया हुआ है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक फीचर है आईफोन 12 के लिए जो सपोर्ट करता है मैक सेफ चार्जिंग के लिए। तो ये आप जैसे ही अपना मैक सेफ डिवाइस एनेबल अपना डिवाइस मैक सेफ पे लगाते हो चार्जिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक एनिमेशन देखने मिलता है और आपको परसेंटेज देखने मिलता है कि मैक सेफ पैड का परसेंटेज कितना है। और फिर इसके बाद उन्होंने iOS watch OS भी लॉन्च किया है 7.6 जो ECG सपोर्ट करता है। सो 30 न्यू रीजन्स के लिए ECG सपोर्ट चालू किया है ये watch OS 7.6 की अपडेट ने। और फिर उसके बाद iOS के साथ एक न्यू फीचर आया है विच हेल्प्स यू टू कंबाइन योर फैमिली क्रेडिट लिमिट। जो एप्पल कार्ड यूज़ करते हैं, एप्पल पे का कार्ड यूज़ करते हैं, जो अगर फैमिली में मल्टीपल यूज़र्स है तो सबकी क्रेडिट लिमिट कंबाइन होके एक कंबाइन लिमिट दी जाएगी। इसके बाद आते हैं लास्ट न्यूज़ पे पेगासस स्पाइवेयर के बारे में। तो पेगासस स्पाइवेयर एक इज़राइल NGO फर्म का ये है, NSO ग्रुप का स्पाइवेयर है, इन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो ये स्पाइवेयर बेसिकली यूज़ किया जाता है अगेंस्ट टेररिस्ट, और अगर कुछ थ्रेटनिंग एक्टिविटी होने वाली होगी तो
लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे न्यूज़ आर्टिकल सामने आई है जिसमें बता रहा है कि कुछ लाइक लोगों पे टेस्ट किया गया है और कुछ लाइक 50,000 नंबर्स पे ये चीज़ें ट्राई की गई है पेगासस स्पाइवेयर। तो बेसिकली ये स्पाइवेयर जो होता है वो लाइक रैंडमली आपके डिवाइस में एंटर हो सकता है, जैसे लाइक किसी मिस कॉल से या किसी मैसेज से ये आपके डिवाइस पे एंटर हो सकता है, और ये आईफोन पे भी एंटर हो चुका है। सो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों इससे कुछ सेफ नहीं है। और तो इसमें कैसे होता है कि जैसे ही आपको कोई नंबर से मिस कॉल या कुछ आ जाता है, वो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा उसका मिस कॉल का, और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और स्पाइवेयर आपके डिवाइस में आ जाएगा, और इससे फिर वो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और पूरा आपका लाइक प्राइवेसी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो ये रिसेंटली इसके बारे में कुछ न्यूज़ चल रहे हैं। तो कुछ 50,000 डिवाइसेस पे, 50,000 नंबर्स पे ये ट्राई किया गया है, और कुछ इंडियन गवर्नमेंट पे इस पे कुछ ब्लेम्स भी है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने लाइक लोगों की प्राइवेसी पे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन यही सब एलिगेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एवरी संडे और एवरी वेनसडे, आपको टेक न्यूज़ के बारे में न्यू न्यू टेक न्यूज़ पता चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते अगले ऐसे किसी टेक न्यूज़ में।